हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लिस्ट में एलिमेंट्स को किस तरीके से ऐड करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था अपेंड मेथड के थ्रू, आज हम सीखेंगे एक्सटेंड मेथड के थ्रू। एक्सटेंड मेथड लिस्ट में ऐड एलिमेंट्स हम तीन तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट अपेंड, सेकंड एक्सटेंड एंड थर्ड इंसर्ट। ये तीन मेथड हैं जो एग्जिस्टिंग लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करने में हेल्प करती है। अपनी लास्ट वीडियो में हमने अपेंड मेथड के थ्रू किया था, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंड मेथड के थ्रू अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट में एलिमेंट्स को किस तरीके से ऐड करना है। चलिए देखते हैं। सपोज हमारे पास ये एक लिस्ट बनी हुई है, ये मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें मुझे कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो अपेंड मेथड के थ्रू हम ओनली वन एलिमेंट एट अ सिंगल टाइम हम करते थे, बट एक्सटेंड मेथड के थ्रू हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। बट इसका रूल क्या है, इट टेक्स एलिमेंट्स एज अ लिस्ट, एक लिस्ट की तरह ये एलिमेंट्स को लेता है। किस तरीके से देखिए, यहाँ पे एल डॉट हम लगाएंगे, ये मेरे पास एल नाम की लिस्ट है, तो यहाँ पे मैंने एल लिखा, फिर डॉट, डॉट ऑपरेटर के थ्रू ही हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा एक्सटेंड लिखा। अब राउंड ब्रैकेट्स हम लगाएंगे, फिर इसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप वैल्यूज देंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये एक लिस्ट है। आप जब भी एक्सटेंड मेथड यूज करेंगे तो एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए आपको लिस्ट का यूज करना पड़ेगा, विदाउट लिस्ट आप नहीं कर सकते। तो ये क्या करेगा, इसके बाद अगर आप प्रिंट एल करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2, 3, 4, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट आएगा। लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये नेस्टेड लिस्ट इस तरीके से आपको रिटर्न करके देगा, इस तरीके से लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर देगा, बट एक्सटेंड मेथड का एक रूल है कि जो भी एलिमेंट्स ये ऐड करेगा वो लिस्ट के फॉर्म में करेगा, और ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स के फॉर्म में ही करेगा ऐड, लिस्ट की नेस्टेड लिस्ट की तरह ये नहीं करेगा। अगर आप इसके साथ चाहें तो सिंगल वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे अपेंड मेथड के थ्रू हम देते थे, बट वो भी आपको लिस्ट की फॉर्म में देना पड़ेगा। सपोज हमारे पास सिंगल लेटर है 2, मैंने यहाँ पे 2 ऐड करना है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको, आपको स्क्वायर ब्रैकेट से यूज करने पड़ेंगे। तो उस केस में मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 2, 3, 4 एंड देन 2। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे एल डॉट एक्सटेंड ब्रैकेट्स और 2 सिंगल वैल्यू इस तरीके से दे देंगे तो ये रॉन्ग है, और अगर आप इस तरीके से भी देंगे तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इसका एक रूल है जो लिस्ट के फॉर्म में ही एलिमेंट्स को ऐड करता है। एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आप कर सकते हैं। अपेंड मेथड के थ्रू हम सिंगल एलिमेंट करते थे, बट एक्सटेंड मेथड के थ्रू हम मोर देन वन एलिमेंट एट अ सिंगल टाइम कर सकते हैं। एक ही स्टेटमेंट के थ्रू हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सटेंड मेथड यूज करते हैं अपने लिस्ट में। और इसका एक और रूल है जो सेम है, अपेंड में भी था और एक्सटेंड में भी है, ये जब भी ऐड करेगा एलिमेंट्स को एट लास्ट ऑफ लिस्ट, यानी कि लिस्ट के लास्ट में ही ऐड करेगा, मिड में या बिगनिंग में नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मेनली इट टेक्स और आप कह सकते हैं एड एलिमेंट विद अ सिंगल स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट में सिर्फ एक बार ही एक ही एलिमेंट को ऐड करेगा, बट एक्सटेंड क्या करता है, इट कैन ऐड मोर देन वन एलिमेंट। तो इस तरीके से आप एक्सटेंड मेथड यूज करते हैं लिस्ट में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे की वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट मेथड के थ्रू हम ऐड किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।